और इस बीच बड़ी खबर टिहरी से, जहां भीषण हादसा हुआ है। गहरी खाई में गिरी कार, ब्रेक फेल होने से हादसा हुआ है। कार में फंसे दो लोगों का रेस्क्यू किया गया, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है, जिन्हें भर्ती कराया गया है। टिहरी में भीषण हादसा हुआ है। इसके साथ साथ आपको बता दें किस तरीके से दुर्घटना हुई है। गहरी खाई में कार गिर गई और इस दौरान देखिए किस तरीके से जानकारी मिल रही है कि घायलों को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर टिहरी में देखिए किस तरीके से यहां पर यह हादसा हुआ, खाई में कार गिर गई, और दूसरी तस्वीर जहां किस तरीके से रेस्क्यू करके जो घायल है उन्हें निकाला गया। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद नजर आई, घायलों को बाहर निकाल करके अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। तो खाई में ये कार गिर गई थी जो हादसे का शिकार हुई थी, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर रेस्क्यू चला करके तमाम जो घायल है उन्हें बाहर निकाला। और विकास नगर से खबर, जहां खाई में गिरी बाइक, एसडीआरएफ ने दो युवकों का रेस्क्यू किया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हिमाचल के दोनों ही युवक बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया है। इसके साथ साथ ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे किस तरीके से रेस्क्यू यहां पर चलाया गया था, और साथ ही साथ जो है टीम यहां पर पहुंची हुई थी, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन चला करके व्यक्ति को देखिए किस तरीके से निकाला और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही साथ किस तरीके से हिमाचल के ये लोग बताए जा रहे हैं। अल्मोड़ा के बाद हल्द्वानी में आग का तांडव देखने को मिला है। दरअसल टांडा के जंगलों में लाल लपटों का कहर देखने को मिला है। सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली हाईवे को बंद किया गया और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लपटों के तांडव की। आग बुझाने के लिए जद्दोजहद लगातार जारी है। हल्द्वानी से तस्वीरें, जहां लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि कब आखिर जंगलों की आग है जो बुझेगी। हल्द्वानी में किस तरीके से लाल लपटों ने कहर बरपाया है, ये तस्वीर इसकी तस्दीक करती हुई नजर आई। जंगल जंगल आग का कहर किस तरीके से देखने को मिल रहा है। आग से हाहाकार और आग बुझाने की जद्दोजहद लगातार जारी है। और अल्मोड़ा से खबर, जहां जंगल में भीषण आग लगी, मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, उससे पहले देखिए जिस तरीके से अब बड़ी खबर सामने आ रही है, जंगल में भीषण आग लगी है और यहां पर देखिए किस तरीके से आग पर काबू पाने का प्रयास फायर की टीम करती हुई नजर आ रही है, और साथ ही साथ आग पर काबू पाने की कोशिश और लगातार ये प्रयास किया जा रहा है आग पर काबू पाने की कोशिश फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर करती हुई नजर आ रही है। मुश्किल से आग पर काबू पाया गया। एक और जिस तरीके से लपटों ने कहर बरपाया है, दूसरी तरफ प्रचंड गर्मी भी पड़ रही थी। हालांकि जिस तरीके से हल्की बूंदाबांदी हुई है, बारिश हुई है, उससे थोड़ी सी निजात मिली है, लेकिन ये तस्वीरें जहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश टीम करती हुई नजर आ रही है। अल्मोड़ा के बिंसल सेंचुरी अग्निकांड में मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। अग्निकांड में घायल कृष्ण कुमार दिल्ली में इलाज के दौरान जिंदगी से जंग हार गए। और बता दें कि 13 जून को जंगल की आग बुझाने की वन विभाग के 8 कर्मचारी झुलस गए थे, जिनमें से 4 की मौत हो गई थी, जिसका आंकड़ा बढ़कर के अब 5 हो गया है। 4 घायलों में कर्मचारी ने दम तोड़ दिया है, लिहाजा अब घायलों का आंकड़ा 3 हो गया। और इस बीच बड़ी खबर